चीन ने दिया पाकिस्तान को तगड़ा झटका। नमस्कार, भारत सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के फैसले बाद से लगातार पाकिस्तान इसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, परंतु इसे हर मंच पर नाकामी ही मिली है। पाकिस्तान को अपना सबसे अच्छा मित्र समझा जाने वाला देश चीन ने भी अब इस मसले से अपना हाथ खींच लिया है, जिससे कि पाकिस्तान एक और बड़ा झटका लगा है। चीन ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के चीन दूसरे अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के दौरान कश्मीर मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी। साथ ही चीन ने इसे भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मुद्दा भी बता दिया है। इस बात की जानकारी देते हुए चीन विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुन यिंग ने कहा कि मुझे नहीं लगता दोनों देशों के नेताओं की मुलाकात के दौरान कश्मीर मुद्दे पर चर्चा होगी। मुझे लगता है कि ये दोनों नेताओं पर छोड़ देना चाहिए कि किस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं। इस तरह के अनौपचारिक शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के नेताओं को चर्चा के लिए ज्यादा समय देना चाहिए। पाकिस्तान के मित्र देश का इस तरह जवाब देना ही पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सदमा है, क्योंकि पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुका पाकिस्तानी देश एक बस चीन के सहयोग से ही भारत के खिलाफ कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश करने में लगा हुआ था, परंतु अब इसमें भी नाकाम हो गया है। कश्मीर मुद्दे पर चीन की तरफ से भारत के लिए चीन का ये जवाब भारत के लिए बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है।